2000 9000 की आएगी। थोड़ी कम दिख रही है, 12 फीट का मिल जाएगा। ये टूट गया, देखो ये। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? एक बार फिर आप सभी का स्वागत एक और नए व्लॉग में। आज मुझे जाना है खरगोन, चादर भी लाना है, फिर पानी का टैंक आता ना वो भी लेके आना है। दो काम के लिए जाना है खरगोन, और आज ना मम्मी को भी कहीं जाना है। मम्मी बिट्टू तनु, शायद मम्मी बिट्टू तनु को भी लेके जाएंगे। तो अभी मम्मी से ही पूछते जाके कहाँ जाएंगे मम्मी, वैसे मुझे तो पता ही है लेकिन उनसे ही पूछवा लेते हैं। कहाँ जाओगे तनु आज? बले पापा के गल। बिट्टू कहाँ जाओगे? मैं नहीं जाएगा। चलो बिट्टू नहीं जाएगा, चलो अच्छी बात। मम्मी तो आज कहाँ जाने की तैयारी है आपकी, बता दो। खरगोन जाने वाले है। गुड मॉर्निंग। तो मम्मी आज जाएंगे खरगोन। मम्मी तो बता नहीं पाएंगे, क्यों बता? क्योंकि मम्मी को हिंदी सही से बोलते नहीं आता है, लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा कि मम्मी क्या बोल रहे। दो बार गुड मॉर्निंग बोल दिया। हाँ चलो बोल लो एक बार आप लोग। हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। हम सब बहुत अच्छे हैं। सो खांसी क्यों हो रही, क्या बना रही मम्मी? दाल बन रही ना, इस वजह से खांसी हो रही। तो आज मैं भी जाने वाला हूँ खरगोन, और मम्मी भी जाएगी खरगोन ही। मैं जाने वाला हूँ, मैंने बताया कि चादर लाना है मुझे और टैंक लाना है। मम्मी जा रही है मेरे बड़े भैया की यहाँ, मतलब मेरे जो बड़े पापा है ना उनके लड़के की है, तो वहां पर जाने वाले। वैसे मुझे भी बुलाया था भैया ने, लेकिन मुझे अपने काम से जाना पड़ रहा है ना, जैसे टंकी वगैरह लाना है, फिर चादर वगैरह लाना है। तो मम्मी ही जाएंगे, तो मम्मी अलग जाएंगे, मैं अलग जाऊँ। मम्मी अभी नहीं जाएंगी, तब तक तो शायद मैं खरगोन से वापिस भी आ जाऊंगा क्या। तो फिलहाल तो अभी सबके सब आज इनकी तो स्कूल से भी आ जाएंगे ना, हमने तब तक इनकी स्कूल भी हो जाएगी। अब देखते हैं मोटर वोटर लगाई कि नहीं, कमल ने पाए पाए बिछाए कि नहीं, तरी वरी कर रहा है कि नहीं। किधर किधर है? तो ये करने लग गया है तरी, और उधर सूरज भी आ गया है बाहर। ये कर दी रे कमल, टावर करा। तो ये टावर की तरी भी हो गई है। फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ खरगोन जाने के लिए भी, और बिट्टू तन्नू को स्कूल छोड़ने के लिए भी। दोनों के दोनों ये भी तैयार हो गए, देखो ये तन्नू। और साथ ही मम्मी लेके आई है मेरा ये न्यू जैकेट जो गिफ्ट में आया था, तो आज इसकी भी मुहूर्त कर देते, मतलब इसको भी आज पहनने से भी ठंड लगती है। आते टाइम लेट भी हो सकता हूँ इस वजह से। मम्मी अभी कहाँ से जा रहा है? अभी तो बिट्टू तन्नू को मुझे स्कूल छोड़ने जा रहा है, उसके बाद में जाऊँगा। कैसे लग रहा है ये न्यू जैकेट? कौन सा वाला जैकेट आप लोगों ने बोला था कमेंट करके? डेनियम ऐसा कुछ बोला था यार, मुझे ना इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है ना, और जो इंग्लिश में लिखा हुआ रहता वो तो पल्ले ही नहीं पड़ता है, तो आप समझ ही सकते हो। लेकिन आप देखो कैसे क्या लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मम्मी तन्नु को उठा के क्यों ला रहे पता है? क्योंकि पूरा का पूरा ये कीचड़ वीचड़ है ना, इस वजह से। और ये आ गई हमारी तन्नु। ऐ तन्नु कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? उधर देखो ये आ गया बिट्टू भी, दोनों के दोनों आ गए। टिफिन उफिन लगी है? पहले मैं रोता था ना। हाँ पहले रोता था। तो चले आप स्कूल, दोनों के दोनों रेडी हो? चले स्कूल, चले चलो। अभी जस्ट बिट्टू तनु को स्कूल छोड़ा, दोनों के दोनों चले गए, और जैसे पहले बिट्टू बहुत रोता था ना, आप बिल्कुल भी नहीं रोता। अब अच्छे से स्कूल जाने, दोनों के दोनों लग गए क्या। अब मैं जाता हूँ पहले तो घर। आ गया हूँ मैं घर, अभी मम्मी के पास भी जाते हैं। मम्मी को पूछते हैं कुछ सामान वामान लाना है कि नहीं। रही मम्मी, मम्मी कुछ लाना है खरगोन से? क्या बुला? इधर दीदी धो रही है कपड़े, क्या बुलवा रहे बोल दो। कहीं लाओ तो बुला। अरे लाऊंगा, बोलो बोलो। नारी जीवन कहियो तो। अरे वो तुम्हारा नारी जीवन मैं भूल जाता हूँ। चलो आज देखता हूँ दीदी का कोई नारी जीवन है वो लेके आना है। आप तो समझ ही गए होंगे क्या होता है नारी जीवन, ठीक है। और मम्मी क्या तोस रोट नहीं लाऊं? मम्मी वैसे तो कोई खाता ही नहीं है ना, कोई भी नहीं खाते। तो मम्मी ने जो थोड़ा बहुत सामान बोला है वो भी लेके आना है। तो मैं कौन सी वाली चश्मा पहनूं, ये वाली पहनूं कि ये वाली? चले दोनों में से एक ट्राई करते हैं, जो अच्छी लगेगी उसको ले जाऊंगा। अब तो पूरी तरह से हो गया हूँ रेडी। मम्मी मम्मी इधर देखो, मम्मी बाय बाय। चले भाई साहब किधर गया रे तू, किधर छुप किधर जाता है? मैं इधर ही था यार। ठीक लग रही कि ये वाली चश्मा? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। सो निकलते हैं खरगोन के लिए। खरगोन तो आ गया हूँ मैं, और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो गई, हल्की फुल्की सी जुकाम जैसा लग रहा है, हल्की सी खांसी भी लग रही है, और थोड़ा सा बुखार भी लग रहा है। गोली वोली का बोला है ब्रज गया है लाने के लिए,
इधर कौन भाई साहब, तो गोली इतनी लाया जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। ये खांसी की है, सर्दी जुकाम की है। दो खांसी सर्दी जुकाम सब की है ना, और एक बुखार की है। तो खाना खाने के बाद खाना है, खाना खाने के बाद दो दिन की है। दो दिन की है मतलब दो दिन लगेगा मुझे ठीक होने में। सो ये देखो, ये गोली वोली भी ले ली, वरना ऐसे ही मत बोलना कि मैं झूठी बोल रहा हूँ कि झूठी में तबियत खराब है। गोलियाँ खाने के लिए सबसे पहले खाना खाना पड़ेगा, और खाना भाई साहब भोर का आ गया है। और भाई साहब, तो भाई साहब का खाना आ गया तो बोला कि थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा बहुत सारा खा लो, मुझे बहुत भूख लगी। क्योंकि देखो सेव मंगवाइए, सेव से खा रहे हम लोग खाना, तो थोड़ा बहुत खाना खा ले, तो उसके बाद मुझे गोलियाँ भी ले लीजिए। आपको खाना है, आ जाइए ले रहे खा ले बाबा। खाना तो खा लिया मैंने, इसके बाद खाई है गोलियां। ज्यादा देरी ना करते हुए फटाफट गोली ले लेते, ये हो गई चारों गोली। देखो किसे ले ली ऐसा चार गोली, अभी आ तो गए एक। इधर देखो ये टंकी वंकी दिख रही है, यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पे पूछते हैं कि कौन सी टंकी कितने की क्या आएगी, वैसे इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है यार टंकी वंकी का, और इससे पहले कभी खरीदी भी नहीं है। क्यों कितने तक पड़ेगी 1500 लीटर वाली? 1500 लोग भैया मोटाला 1500 की आएगी, 2800 की आएगी, 9000 की आएगी। किसमें अच्छा अच्छा, ये तो शायद 1000 लीटर वाली है क्या ये? तो इसी में कि 1500 लीटर का पूछा तो 9000 रुपये बताया है। कितने साल टंकी वंकी का तो देखा है, पूछ भी आए, 9000 तक का बताया था। तो इधर है चद्दर, जैसे चद्दर भी लेके जाना है ना, तो चद्दर वद्दर का भी इधर पूछते। ये चौड़ाई में कितना होगा? ये चार, पर इसकी लंबाई थोड़ी कम दिख रही है। 12 फीट का मिल जाएगा, क्यों मिल जाएंगे ना 5 फीट के एंगल तो। 10 फीट का ले लोगे तो उसको काट देंगे, 5-5 के हो जाएंगे। हाँ ये भी है, दो पर अपने को तीन चाहिए, तो 5-5 फीट के तीन चाहिए। 12 जो चद्दर उतर है ना 1320 रुपये बताए, और तीन पाइप भी लगेंगे जो बीच में अच्छे से मजबूती तभी रहेगी ना, तो पाइप का भी बोल दिया। पैसे वैसे सब दे दिए, बिल विल भी ले लिया, लेकिन अभी ना गाड़ी वाड़ी भी करनी पड़ेगी। अभी तो अचानक ही आए हुए तो गाड़ी भी करनी पड़ेगी, जैसे पिछली बार जो दरवाजे लेके गए थे ना उनको ही कॉल करके पूछना पड़ेगा। गाड़ी वाड़ी तो आ गई, वही भैया आए हुए जो पिछली बार हमारा वो सामान लेके गए थे ना, क्या बोलते उसको, दरवाजे वरवाजे लेके गए थे ना, वही आए हुए। अभी उधर से आ रहे गाड़ी देखो, और वो वाली गाड़ी है। तो उधर की साइड मैंने बोला था ना चद्दर उधर की साइड है, और जो पानी की टंकी है ना पानी की टंकी इधर की साइड से लेकर। इधर है सब्सक्राइबर मिलकर, क्या नाम है? आसिफ नाम है ये, आगे हमारे भैया। कब से कॉल कर रहे हैं हम? 11 बजे लेट हो तो वो गोदाम में जाना पड़ेगा। हम लोग आ गए गोडाउन, यहाँ से टंकी रखना पड़ेगी। देखो ये गोडाउन, तो ये बंद है ना, चालू थोड़ी। तो किससे बात करता है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का ढास। ये तो ये टंकी तो रख ली हमने, मेरा हमारा चद्दर ये देखो, इसी को रखवाते हैं फटाफट अंदर। इधर है भैया काम वाम करते, ये बोल रहे हमारा भी रिकॉर्ड कर लो, ऐसा हाय बोल दो, हाय हाय। तो ये दुकान से लिया हम लोगों ने चद्दर, और ये रखवा लिया चद्दर भी। अब हम निकलते हैं घर के लिए, बाय 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 बाय। कड़िया भी ले ली, जैसे वो चद्दर उद्दर लगेगी ना उसमें। इसके कितने? हाँ डिलेक्स नहीं उसी पे बांधना, वो सामने ना, हाँ वही वाली। इसका 100 रुपए होता था, 10 लाख दिया ना नट भी है ना इसमें सब आ गया। तो गाइस कल आप लोगों ने देखा मैं खुशी खुशी खरगोन गया था सामान लाने के लिए, और जैसे ही घर आया ना तो मैंने शूट भी नहीं करा, थोड़ा मूड ही खराब हो गया था। कुछ अच्छा करने जाओ तो कुछ खराब ही हो जाता यार।
जैसे पिछली बार टाइल्स वगैरह लेने के लिए गए थे और रास्ते में वो टूट फूट गई थी, वो नुकसान हो गया था। ठीक है, अभी जैसे मैं टंकी और चद्दर लेने के लिए गया था तो इस बार चद्दर टूट गया। मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि शायद वहीं से जिस दुकान से हम सामान खरीद के लाए थे ना, वहीं से शायद टूटा हुआ चद्दर दे दिया। जो मैंने रिकॉर्ड करा था ना वहाँ दुकान पर, वो रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें कुछ भी चद्दर टूटा फूटा नहीं दिख रहा था। मतलब जो आने में लाने में, जैसे जिस गाड़ी से बुलाया ना सामान, तो वो गाड़ी में लाने में वो टूट गया। जैसे पिछली बार आप बोल रहे थे कि टाइल्स अगर कहीं गाड़ी कर लेते तो नुकसान नहीं होता, मतलब अब देखो इस बार तो गाड़ी भी कर ली ना फिर भी नुकसान हो गया। तो टंकी वंकी तो यहीं रख दी और हम सोच रहे थे कि इसके अंदर घुसा देंगे, बट गई नहीं इसके अंदर। क्या, क्योंकि ये गेट छोटा है और ये टंकी मोटी है और चद्दर वो रखा हुआ है। देखो ये चद्दर, उनके ऊपर ही चद्दर रखा है, मुझे छत के ऊपर जाना पड़ेगा। आ गया मैं छत पर, देखो ये रही टंकी, टंकी तो सही सलामत है और ये रहा चद्दर। देखो अब मैं दिखाता हूँ टूटा हुआ, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा टूटा हुआ, पास जाके दिखाता हूँ। तो ये देखो ये टूट गया, देखो ये देखो ये सब टूट गया यहाँ से। ये देखो ये टूटा 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 टूटा, ये भी टूट गया, यहाँ भी टूट गया, ये देखो ये भी टूट गया, सब दरारे दरारे हो गई है, लगभग पूरा चद्दर ही गया ऐसा लग रहा है। देखो ये देखो ये टूट गया है, ये यहाँ से यहाँ तक देखो ये पूरा, मतलब ये समझ लो टूटी गया। और अगर बीच में से काटेंगे फिर भी, देखो अगर बीच में से काटने की सोचे फिर भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पानी हर जगह से टपकेगा। तो इसका क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को अगर कुछ आइडिया हो तो बताना इसको कैसे क्या ठीक किया जाए। चद्दर तो आप लोगों ने अच्छे से देख ही लिया होगा, ये दिख ही रहा है बीच में से टूटा फूटा। अब इसको कैसे क्या ठीक किया जाए, अगर आप लोगों को कुछ मतलब हो नॉलेज थोड़ा बहुत कि इसको क्या किया जाए। जैसे ये चद्दर तो वैसे काटेंगे तो फिर पूरा आएगा नहीं, थोड़ा कम पड़ेगा अगर काट के भी लगाएंगे ना, जैसे टूटा हुआ है फिर भी बीच में भी कहीं 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 ना कहीं दरार पड़ गई और पानी अंदर टपकेगा ही इससे। तो कुछ आइडिया हो तो बताना कि कैसे क्या इसको ठीक करें, पूरा लगाने के बाद भी पानी अंदर ना टपके, तो ज़रूर बताना। ठीक है, और आज के इस व्लॉग का एंड मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। वैसे भी आपको पता, ये कल ही मैंने बता दिया था जब ये ब्लॉग स्टार्ट करा था तब बता दिया था कि बिट्टू तन्नू मम्मी खरगोन गए हुए वो भी, लेकिन मैंने बोला था ना मैं सुबह गया वो शाम को गए थे, मतलब मैं आया यहाँ तो यहाँ घर आया ना उससे पहले वो खरगोन पहुँच गया। आज इस ब्लॉग का एंड मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। इससे पहले वाला ब्लॉग भी मैंने खुद ने शायद एंड करा था और मम्मी थी शायद उसमें ना, मम्मी थी क्योंकि बिट्टू तन्नू स्कूल चले गए थे। सो आप लोग ज़रूर बताना कि चद्दर का क्या किया जाए। ठीक है, और एक ये बैड न्यूज़ समझ सकते यार, मतलब पहले भी जब टाइल्स लेने गए थे तब भी कुछ नुकसानी हुआ और अभी भी नुकसानी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी होगा देखते हैं। चलिए अब ब्लॉग का एंड कर देते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो रेड कलर का देखो बटन दिख रहा, बटन बोलते क्या, जो भी रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा ना उस पर टच करना तो वो रेड कलर से चेंज हो जाएगा। फिर बेल आइकन रहता है ना घंटी वंटी, उस पर ऑल पर प्रेस करना, तभी मेरी हर एक आने वाले जो वीडियोस रहेगी ना, न्यू वीडियोस, उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। कोई कोई क्या करते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दे, बेल आइकन को ऑन नहीं करते ना तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, फिर वो बोलते हैं कि आपकी वीडियोस तो आती नहीं, डेली ब्लॉग तो बनाते ही नहीं। बनाता तो मैं डेली ही हूं, बट आप लोगों ने शायद बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करा हुआ ना, इस वजह से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है और यहाँ भी लिख दिया मैंने इंस्टाग्राम आई डी संतोष रोकड़े 143, फॉलो कर लेना इंस्टा पर भी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।